हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आप शायद विश्वास न करें पर इस परिवार के किसी भी सदस्य ने ना ही कभी पैसा क्या होता है ये पता किया और ना ही उन्होंने कभी टेलीविजन जैसी चीज के बारे में सुना और ना ही उन्हें इंटरनेट के बारे में किसी ने बताया और ना ही उन्हें ये पता कि दुनिया में बिजली जैसी भी कोई चीज होती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये परिवार अचानक से ही लोगों के एक ग्रुप द्वारा ढूंढा गया और ये सब कुछ ही सालों पहले शुरू हुआ जब पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले दो लोग हैदर और अतीश तुर्की में बने हसन पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे और तभी उन्हें उस पहाड़ की चढ़ाई पर एक पत्थरों से बना हुआ घर दिखाई दिया। और जब वो इस घर के नजदीक आए तो उन्हें उस घर के पास ही कुछ गायें खड़ी हुई दिखाई दी। इसके अलावा वहाँ कुछ भेड़े और मुर्गे मुर्गियाँ भी इधर उधर घूम रही थी। लेकिन जब वो इन जानवरों को देखने ही जा रहे थे तभी इन्हें वहाँ कुछ लोग दिखाई दिए। जब उन लोगों ने इन दोनों पर्वतारोहियों को देखा तो उस परिवार का हर आदमी डर के मारे अपने घर में जाकर छिप गया। ये देखकर हैदर और अतीश भी डर गए और उन्होंने तब उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अब उनके मन में एक इच्छा जाग चुकी थी कि वो उनसे जाकर बात करें और जाने कि वो कौन है और वो जनजाति से इतने दूर भयंकर हालातों में कैसे जिंदा हैं। क्योंकि परिवार से मिलिए जिसमें पिता का नाम डेविड और माता का नाम केट था। अपनी पहली मुलाकात के बाद ही इन्हें एहसास हो गया था कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। जिसके कुछ ही समय बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और हर दिन वो अपना बहुत अच्छे और प्यार से बिताते। लेकिन जल्दी ही इनकी खुशियों को नजर लगी जब उन्हें पता लगा कि केट गर्भवती नहीं हो सकती। लेकिन इन दोनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और सोच बनाकर रखी कि जल्दी ही कोई चमत्कार होगा उनकी जिंदगी में, खुशियां वापस आएंगी। एक दिन केट को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ अजीब चल रहा है। उसका खाने का पूरा प्लान बदल चुका था और अब उसे लगातार नींद आ रही थी। तब उसे महसूस हुआ कि शायद वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जब तक वो ये खबर पक्का नहीं कर लेती तब तक उसने ये बात अपने पति को ना बताने की सोची। उसने उसी शाम टेस्ट किया और परिणाम आने पर उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो सच में प्रेग्नेंट थी। और जब डेविड अपने काम से शाम को घर वापस आए तो केट ने उनको उनकी जिंदगी का सबसे बढ़िया तोहफा इस खुशी के रूप में दिया। ये सुनकर डेविड की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। अगले ही दिन ये जोड़ा अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवाने गया और यहाँ उनको पता लगा कि केट के पेट में एक नहीं बल्कि ट्विंस बच्चे एक साथ पल रहे हैं। और उसके बाद से सब नॉर्मल चलता रहा। दोनों लोग अपने आने वाले बच्चों की तैयारियों में लगे हुए थे। पूरा प्रेगनेंसी का टाइम बहुत अच्छे से बीता। डेविड अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। लेकिन जल्दी ही इन खुशियों पर एक बार फिर से किसी की नजर लगने वाली थी। जब केट 27 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी तब उसके पेट में उसे सिकुड़न महसूस होने लगी। किस्मत से उस समय डेविड केट के साथ थे इसलिए बिना एक भी मिनट गवाए डेविड ने तुरंत उसे गाड़ी में पीछे बैठाया और तुरंत वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स ने तुरंत केट की जांच की और तुरंत उसे इमरजेंसी में भर्ती किया। लेकिन वो भी उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे। और फिर कुछ ही घंटों बाद दो बहुत छोटे छोटे प्यारे से बच्चों ने जन्म लिया। जी हाँ, एक लड़की और एक लड़के को केट द्वारा जन्म दिया गया। बेशक वो दोनों बहुत ज्यादा कमजोर थे इसलिए उन्हें तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया। सालों तक लैरी वॉल्टर्स नाम का ये आदमी यही सोचता रहा कि वो एक ना एक दिन अपने आप से जरूर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ेगा। वो कैलिफोर्निया में रहता था और फाइनली उसका सब कुछ सेट हो चुका था। उसने 42 बड़े बड़े गुब्बारे एक कुर्सी को बांधे और उस पर बैठकर ग्राउंड से बहुत आसानी से उड़ गया। लेकिन उड़ते ही उसके द्वारा बनाया गया प्लान पूरी तरह से बदल गया और जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि अब उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। लैरी अपने साथ उड़ने से पहले कुछ थोड़ी बहुत जरूरी चीजें साथ लेकर गया था और उसका प्लान था कि वो कुछ घंटे कैलिफोर्निया के रेगिस्तान के ऊपर बिताएगा और वहां के नजारे लेगा। लेकिन थोड़ी ही ऊपर जाने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि यहां हालात उसके बस के बाहर है और अब उसका ये मजे वाला काम उसकी जान लेने वाला है। लगभग 1.5 घंटे तक वॉल्टर आकाश की ऊंचाइयों में घूमता रहा और आज उसकी मौत हुए भी लगभग 30 साल बीत चुके हैं। फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।